हमने इसमें DRL लगाए हैं, तो आपको ऑन करके दिखाते हैं। हेडलाइट में हमने LED लैंप्स लगाए हैं। इंटीरियर की बात करेंगे हम, इसमें इंटीरियर में जो हमने वर्क किया है, जैगुआर ब्रांड का सीट कवर लगाए हैं। बैक साइड का भी देख सकते हैं आप, पॉकेट वगैरह। वेन्यू आप देख सकते हैं, हुंडई का जो न्यू मॉडल आया है हुंडई वेन्यू, इसमें हमने क्या क्या काम किया है आपको बताएंगे। साइड से देख सकते हैं आप, जो गाड़ी की शाइन आ रही है, एक न्यू ब्रांड कार की शाइन, सेरामिक कोटिंग करने के बाद ये जो ग्लो आ रहा है आपको सामने देखने को मिलता है। ये जो फ्रंट के मॉडल में यहाँ पर DRL आता नहीं है, हमने इसमें DRL लगाए है, तो आपको ऑन करके दिखाते हैं। DRL लगने के बाद इसका जो लुक किस एंगल से, किस तरीके से इसका फिटमेंट है, एक फ्रंट पोजीशन पे DRL लगने के बाद जो लुक इसमें आ रहा है, आपको एक अलग ही लुक आएगा जो ये मॉडल में आता नहीं है। देख सकते हैं जैसा कि आप, एक नियॉन DRL लगने के बाद फ्रंट का जो लुक आया है। हेडलाइट में हमने LED लैंप्स लगाए हैं। ब्लोपन ब्रांड का है, जर्मनी स्टेबलेट आता है, 2 साल वारंटी का। और साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, ऑटो क्लोअर कंपनी का डोर वाइज़र है, जो मेड बाई कोरिया आता है। कोई भी ऐसी गाड़ी का आपको डोर वाइज़र लगाना रहेगा, एवरी गाड़ी का हमारे पास मिलेगा ये डोर वाइज़र। और साइड से आप देख सकते हैं, छोटा डोर गार्ड लगने से, लोअर गार्निश लगने के बाद गाड़ी का जो लुक आ रहा है, इट अमेजिंग, अच्छा लुक देखने को मिल रहा है गाड़ी में। इंटीरियर की बात करेंगे हम, इसमें इंटीरियर में जो हमने वर्क किया है, सबसे फर्स्ट वेलकम स्टॉप प्लेट जो लगाया हमने, आप देख सकते हैं, एक वेलकम स्टॉप प्लेट लगाने के बाद गाड़ी का जो लुक है पूरा चेंजेस हो जाता है। और यही हम बात करेंगे सीट कवर्स की। जो आप सीट कवर देख रहे हैं, ये गाड़ी में जैगुआर ब्रांड का सीट कवर लगा है, फुली लैमिनेट आता है। आप देख सकते हैं इसकी फिटमेंट एंड फिनिशिंग की, किस हिसाब से इसका फिटिंग है। रेड पाइपिंग के साथ में लैमिनेट सीट कवर है, पूरा सीट कवर देख सकते हैं आप, इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग किस एंगल से फिटमेंट किया है, फुल टॉप टू बॉटम ओरिजिनल फिटिंग के साथ में आता है। और ये गाड़ी में हमने जो स्टेयरिंग व्हील रैपिंग किया है, आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग व्हील रैपिंग करने के बाद इसकी फिटिंग। बैक साइड का भी सीट कवर हम आपको बताना चाहेंगे कि बैक साइड का फिटमेंट जो है, किस एंगल पर किस तरीके से फिटिंग है। आप देख सकते हैं सीट कवर की फिटिंग एंड फिनिशिंग, एक सिंपल वर्क किया है, डिसेंट लुक दिखना चाहिए, उसके हिसाब से हमने ये कार बनाए हैं। बैक साइड का भी देख सकते हैं आप, पॉकेट वगैरह, फुल टू फुल बकेट टू बकेट फिटिंग किया हमने इसमें। फ्लोरिंग का लैमिनेशन किया है और ग्रास मैटिंग नॉर्मल ही लगाया हमने इसमें, ना ही कोई 70, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं लगाया है कि जो इसमें ऑर्डर दिखे। और साइड से जो फिल्म की शाइनिंग आ रही है, हाई इंफ्रारेड फिल्म लगाई हमने इसमें, 70 नंबर जो RTO अप्रूव्ड आती है। अंदर कौन बैठा है वो क्लियर आपको लुक दिखेगा। सो गाइज, साइड से आपने लुक देखा ही है, बैक साइड से मैं आपको बताना चाहूँगा। बैक साइड में हमने स्पॉइलर फिटिंग किया है, जो बॉडी टच स्पॉइलर आता है, आप देख सकते हैं, बॉडी टच स्पॉइलर लगने के बाद इसका जो लुक है, कितना प्यारा स्पोर्टी लुक आ रहा है। और जैसा कि वेन्यू में ये पार्सल ट्रे आता नहीं, हमने इसमें एक लैमिनेट प्लाई का ट्रे बनाया है, जो कोई भी सामान रखने के लिए ईजी होता है। आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग, हर तरीके से एकदम प्रॉपर जगह से जो चीज़ चाहिए उसके हिसाब से फिटिंग किया हमने इसमें। और नंबर प्लेट की जो लाइट आती है, उसमें वाइट LED लाइट लगा है, जो नंबर प्लेट ऐसा वाइट लुक आ रहा है। बोलने का मतलब ये है कि साइड से जो सिंपल एंड सोबर वर्क किया है, साइड में जो वर्क किया है, इसमें हमने डोर का डैम्पिंग किया है, जो डोर इतना सॉलिड आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है, ये डैम्पिंग करने के बाद ये
हैवी ड्यूटी का जो डैम्पिंग होता है डैम्पिंग किया है, जो नॉर्मल जैसे आप देख सकते हैं फेंडर का आवाज़ और डोर का आवाज़ दोनों में फ़र्क है। थ्री लेयर का जो डैम्पिंग होता है, थ्री लेयर का डैम्पिंग करने के बाद ये अपने को डोर सॉलिड एंड हैवी हो जाता है पूरा। और साइड से आप देख सकते हैं इंटीरियर में हमने आपको बताया ही है, एक जैगुआर ब्रांड का सीट कवर लगने के बाद इसका जो लुक है एक अल्टीमेट लुक आ रहा है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपकी भी कोई वेन्यू गाड़ी हो बनाने को सो कॉन्टेक्ट पर KGN ऑटोवर वासी सेक्टर 17 नवी मुंबई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।